जय माता दी जी। राम राम। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे जहाँ कहीं भी होंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत सारी कमियाँ भी बताते हैं मुझे, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसमें ये चीज़ पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोशिश करते हैं तो वो चीज़ ज़रूर यूज़ करते हैं जो नहीं डाली होती है। होती है तो ही यूज़ करते हैं, नहीं होती है तो नहीं यूज़ करते। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं आलू चने। बोलते बोलते भूल जाती हूँ। और हाँ, तबीयत बता दूँ आप लोगों को, मैं काफ़ी ठीक हूँ, काफ़ी ठीक हूँ, मतलब मैं रेस्ट पे हूँ। और आलू चने बनाए खट्टे वाले, काले चने, जिसका सूप मैं बना चुकी हूँ ऑलरेडी मधु पहाड़न क्रिएटिविटी चैनल पे। लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके ऊपर आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। तो चलिए अभी देख लेते हैं आलू मटर और मक्की की रोटी, ठीक है? और उससे पहले छोटी सी एक गुजारिश है, अगर पहली बार आए होंगे ना तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और लाइक कर देना वीडियो को। अगर अच्छा लगेगा लाइक लास्ट में करना, कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है? तो चलो, तो देखिए चने मैंने उबाल दिए थे, ये देख सकते हैं आप काले चने। और ये मैंने इनके लिए दरड़ा दरड़ा पीस लिया है, दरड़ा मतलब मसाला पीस लिया है। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो ये निकाल लेना है इससे, इसको इस कटोरी में रख देते हैं। अदरक लहसुन और मिर्च कूट लिए, ठीक है? इसके बाद मैंने क्या किया था कि चनों में ही जिसमें गार लाने के लिए, क्योंकि हम आलू चने बना रहे हैं, तो ये आलू मैंने छिलका उतार दिया है। लग नहीं रहे कि छिलका उतारा है, लेकिन मैंने इनका छिलका जो है उतार दिया है, ठीक है? तो इसको, ये चनों के बीच में काले हो गए हैं। दो आलू इस तरह से हम इसको लेंगे और इनको अच्छी तरह से कूट लेंगे। ये देखिए, ये भी कूट लिए हमने। और थोड़े से डालूंगी मैं इसके अंदर चने, ताकि इसकी अच्छी जो है ग्रेवी गाढ़ आ जाए चनों में, ठीक है? ये देखिए, ये भी मैंने कूट लिए। और ये अभी ये चने, तो इसको जो है मैं हाथों से ऐसे थोड़ा सा टुकड़े जैसे कर देंगे। इसमें एक आलू के मैंने तीन आलू इसमें डाले थे, ठीक है? तो चलो अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। और उसके बाद तेल हमारा गर्म हो चुका है, थोड़ा सा मेथी दाना, और मेथी दाना हमेशा डालना चाहिए सब्जी में, इसके बहुत से फायदे होते हैं, ठीक है? उसके बाद डालना हमने साबुत धनिया, और फिर डालेंगे जीरा थोड़ा थोड़ा। ये नहीं कि एक ही बार सब्जी को टेस्ट बनाने के लिए हमेशा ये सोचना चाहिए कि कल भी हमने बनाना है, तो थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद ये दो तीन मिर्चा और ये डाल दिया मैंने, और फिर डाल दिया हमने ये दरड़ा, ठीक है? दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा और दो तीन काली मिर्च। मेथी हमारी जल गई है थोड़ी सी, मैं ये कर रही थी दालचीनी निकाल रही थी। काली मिर्च हम कूट के भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर हमने टमाटर लगाने हैं तो इस टाइम हम इस पर टमाटर लगा सकते हैं। और इसके साथ हमने क्या डालना है, वो हल्दी, क्योंकि मैंने उबले जब चने उबलने डाले थे ना तब नहीं डाली थी। और नमक हमने डाल दिया है, तो थोड़ा सा डालूंगी मैं यहाँ के, क्योंकि मैंने पानी लगाना है ना इसमें, तो नमक मैंने चने जब उबलने डाले थे तो नमक डाल दिया था। ये कढ़ाई मैंने न्यू ली है और अभी दूसरी बार बना रही हूँ। इसमें पहले दूध उबाला था, जैसा आप लोगों ने मुझे बोला था कि इसमें दूध उबालना है पहले, तो वो मैंने किया था। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छी स्मेल भी आ रही है और बड़ी अच्छी तरह से ये भुन भी गया हमारा मसाला, ठीक ठीक है? अब इसको हमने जलाना नहीं है,
नहीं तो मैं चला देती हूँ, कुछ ना कुछ तो जलता ही है। अब डालेंगे हम, क्योंकि हम बना रहे हैं खट्टे चने, इमली डाल सकते हैं इस टाइम पे। और हमारे पास है अमचूर, तो मैं डाल रही हूँ अमचूर। ये देखिए इतना सा मैंने डाल दिया है, ठीक है, इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। उसके बाद हम डालेंगे जो हमने कूटे थे ना आलू और चने, वो वाले। और इनमें ना मैं थोड़ा सा पानी लगाना है। मैं जानती हूँ आज के टाइम में कुकिंग सबको आती है, पर पता है तरीका अलग अलग होता है सभी का, बनाने का जो तरीका होता है ना वो अलग अलग होता है। तो ये देखिए अब इसको 2 मिनट तक हमने इसको ऐसे ही काट लेना है, मतलब जब तक इसमें उबाल आ जाए, थोड़ा सा उबल जाए। तो ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है, और देखो कितनी अच्छी ग्रेवी बन गई इसकी, मतलब इसमें बहुत अच्छी गाढ़ आएगी। अब ये देखिए ये जो तरीका मैंने बताया, शायद आपने कभी बनाया नहीं होगा इस तरह से, तो ज़रूर बनाना। और अब हम इसमें डाल देंगे बाकी के बचे हुए चने, ठीक है। ये देखिए और हमारे खट्टे काले खट्टे चने बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया बन गए। अब इसमें क्या डालना, हमने एक चीज़ और डालनी, लेकिन कब, अब इसको 2 मिनट तक, 5 मिनट में जब भी उबाल इसमें आ जाएगा उसके बाद मैं बताती हूँ इसमें लास्ट में हमने क्या डालना है। तो देखिए ये उबाल हमारे चनों में आ चुका है, और अभी इसमें पड़ेंगी 2 चीज़ें और, जिससे बन जाएगा है बहुत बहुत ही टेस्टी। और फिर हमने ना गैस भी बंद कर देनी, चूल्हे पे बना रहे हैं तो चूल्हे से उतार देना। मैं आजकल चूल्हे पे नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरी गर्दन में प्रॉब्लम है ना, तो मुझे खड़े होके जो खाना बनाना है। ये है गरम मसाला, और ये गरम मसाला हमने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा। इससे क्या होगा, हमारे चने का जो टेस्ट है वो हो जाएगा दुगना, ठीक है। वाह, ये देखिए। चलिए अभी हम यहीं पे इसको बंद कर देते हैं, और मैंने बनानी मक्की की रोटी, तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ थाली में डाल के, ठीक है, थैंक यू। ये देखिए हमारी मक्की की रोटी, बिल्कुल लास्ट रोटी है ये। और ये जो है इसको ना इस तरह से मराड़ देते हैं, मैं पका बैठी हूँ यहाँ पे। ओहो ऐसा लग रहा है ना फ़ोन में भी, जैसे हम आग ताप लें, मतलब आग सेक लें, है ना। ये देखिए इस तरह से हम इसको चारों तरफ से सेकते हैं मक्की की रोटी को, तवे से उतारने के बाद थोड़ी सी यहाँ से जल गई, तो इस तरह से जो है ये तैयार है। देखिए उसके बाद बन चुके हैं हमारे आलू चने, और हनी जो रोटी खा भी रहा है, हनी ने ले लिए। और ये जो चावल आप देख रहे हैं ना, इनको मैंने तड़का लगाया था, ये रात के थे, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छे चने बने हमारे काले चने। तो आप भी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, मैंने थोड़ा सा अलग तरीका बताया है। वैसे सभी जानते हैं कुकिंग करना, मुझे अच्छी तरह से पता है, पर फिर भी सबका होता है ना अलग अलग। तो ये देखिए चलो करते हैं वीडियो का यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, और जय माता दी, राम राम।